नमस्कार, मैं महक वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर पीएम मोदी का तंज, बताया देश की प्रगति पर टीका। कांग्रेस ने मोदी सरकार के श्वेत पत्र के विरोध में ब्लैक पेपर जारी किया है। इस पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने तो सरकार के अच्छे कामों को नजर से बचाया है, उस पर काला टीका लगा दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ विपक्षी सांसद विरोध के नाम पर आज संसद में काले कपड़े पहनकर आए थे। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे घर में नजर से बचाने के लिए काला टीका लगा दिया जाता है, वैसे ही सरकार कई अच्छे काम कर रही है और उन्हें नजर से बचाने के लिए इन्होंने काला टीका लगा दिया है। पीएम मोदी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछले 10 साल से देश समृद्धि के नए शिखर छू रहा है, एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर ना लग जाए, इसके लिए कांग्रेस ने काला टीका करने का प्रयास किया है। मैं इसके लिए भी मल्लिकार्जुन खड़गे को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पीएम मोदी ने की मनमोहन सिंह की तारीफ, कहा व्हीलचेयर पर आकर दी लोकतंत्र को ताकत। राज्यसभा से रिटायर हो रहे सांसदों के विदाई समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि भले ही हमारे बीच वैचारिक मतभेद हो, लेकिन उनके कई कार्य ऐसे हैं जिनसे हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पिछले कुछ समय से काफी बीमार हैं और व्हीलचेयर पर हैं, लेकिन इसके बाद भी वह कई बार सदन में आए। कई मौकों पर जब वोटिंग की बारी आई तब भी वह व्हीलचेयर पर संसद भवन आए और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके साथ ही राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी वह आए। पीएम मोदी ने कहा कि वह किसी और को नहीं बल्कि लोकतंत्र को, सदन को ताकत देने आए थे। उन्होंने सभी सांसदों को बताया कि एक सांसद को कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलनी चाहिए। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली नोएडा बॉर्डर सील, धारा 144 लागू, लंबा जाम लगा। किसानों के आंदोलन के चलते दिल्ली नोएडा बॉर्डर सील कर धारा 144 लागू कर दी गई है और किसान चौक समेत अन्य स्थानों पर बैरिकेडिंग कर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस आने जाने वाले हर वाहन को चेक करने के बाद ही आगे जाने दे रही है। NH9 पर भी बैरिकेडिंग की गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक काफी स्लो हो गया है और लंबा जाम लग गया। किसानों के विरोध मार्च को देखते हुए दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। वहीं दिल्ली से नोएडा जाने वाले रूट पर भी लंबा जाम लग रहा है। नोएडा के DIG लॉ एंड ऑर्डर शिवहरि मीणा ने कहा कि धारा 144 लागू कर दी गई है और सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। ओडिशा में बोले राहुल गांधी, OBC नहीं, जनरल कास्ट में पैदा हुए पीएम मोदी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर निशाना साधा है। ओडिशा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी OBC कास्ट में नहीं बल्कि जनरल कास्ट में पैदा हुए थे। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी का जन्म गुजरात की तेली जाति में हुआ था। इस समुदाय को वर्ष 2000 में BJP ने OBC का टैग दिया था। प्रधानमंत्री मोदी का जन्म सामान्य जाति में हुआ था। राहुल गांधी ने कहा कि आप सब लोगों को भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये पूरी दुनिया में झूठ बोल रहे हैं कि वे OBC जाति में पैदा हुए। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, वे किसी OBC से गले नहीं मिलते, वे किसी किसान का हाथ नहीं पकड़ते, वे किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वे सिर्फ अडानी जी का हाथ पकड़ते हैं और ये कभी जातिगत जनगणना नहीं करने देंगे। गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन का एक हिस्सा गिरा, एक व्यक्ति की मौत की आशंका, दो घायल। राजधानी दिल्ली में गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म की साइड वॉल का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत की आशंका है, जबकि मलबे में दबकर दो लोग घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को उपचार के लिए GTB अस्पताल ले जाया गया है। हादसे के बाद इस रूट पर मेट्रो ट्रेन को सिंगल लाइन से संचालित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हादसा सुबह करीब 11 बजे हुआ। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा और राहत कार्य शुरू किया। पुलिस और मेट्रो कर्मचारियों की मौजूदगी में JCB की मदद से मलबा हटाया गया। राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की रेस में शामिल निक्की हेली का बड़ा बयान, अमेरिका पर भरोसा नहीं करता भारत। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान बड़ा बयान दिया है। निक्की हेली ने कहा कि भारत अब तक अमेरिकियों के नेतृत्व पर भरोसा नहीं कर सका है। भारत अमेरिका के साथ भागीदार बनना चाहता है।
लेकिन अभी तक उन्हें नेतृत्व करने के लिए अमेरिकियों पर भरोसा नहीं है। निक्की हेली ने यह भी कहा कि मौजूदा वैश्विक स्थिति में नई दिल्ली रूस से करीबी रखते हुए चतुराई से खेल रहा है। भारत फिलहाल अमेरिका को कमजोर मानता है और मैं कहती हूँ कि मैंने भारत में भी डील की है। निक्की हेली ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है, भारत हमारे साथ भागीदार बनना चाहता है और रूस के साथ भागीदार नहीं बनना चाहता। पाकिस्तान में मतदान के दौरान हिंसा, पुलिसकर्मी की मौत, मोबाइल सेवा बंद। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव के लिए एक साथ वोट डाले गए। मतदान सुबह 8:30 पर शुरू हुआ और शाम 5:30 तक जारी रहा। इस बीच खैबर पख्तूनख्वा में अफगान सीमा के पास एक पोलिंग बूथ पर तालिबान ने हमला किया जिसमें 3 महिला एजेंट्स घायल हो गयी। लोकल न्यूज चैनल ARY डिजिटल के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा के टांक रीजन में पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। मतदान के दौरान पूरे पाकिस्तान में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रही। चुनाव आयोग आधिकारिक तौर पर कल चुनाव नतीजों की घोषणा कर सकता है। वहीं मतदान से पूर्व PMLN सुप्रीमो नवाज शरीफ ने कहा कि बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से बाहर निकालने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।